आत्मिक भावनाओं की चर्चा चल रही है आज शाम जी महाराज ने सुख भावना से प्रसंग आरंभ किया है। साधक जी दो चार दिन लगाएंगे, इससे अगली ही भावना शांत भावना है, सुख एवं शांति पर कुछ दिन लगाएंगे इसे समझने के लिए ये क्या है। आज पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने फरमाया, सुख का स्रोत आत्मा है, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सुख। मानो आपका अपना स्वरूप, हमारा अपना स्वरूप, आत्मस्वरूप, वास्तविक स्वरूप सुख का स्रोत है। इन आत्म भावनाओं के अंतर्गत स्वामी जी महाराज हमें यही समझाना चाहते हैं, बाहर जो कुछ आप ढूंढते हो वह सही नहीं है, सब कुछ आपके भीतर है, सब कुछ आत्मा में है, सब कुछ परमात्मा में है, उसे खोजो, वास्तविक चीज आपको मिलेगी। बाहर तो विश्व सुख है, नश्वर सुख है, ऐसा सुख जो दुख के साथ ही युक्त है, ऐसा जीवन जो मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है, ये बाहर की बातें हैं। अतएव व्यक्ति हमेशा भटकता ही रहता है, हाथ कुछ नहीं आता। जैसे खाली हाथ व्यक्ति आता है वैसे ही खाली हाथ चला जाता है। ये खाली हाथ भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं कहा जा रहा, जिस मुट्ठी भरनी चाहिए जिसे वास्तविक सुख कहा जाता है, परम सुख कहा जाता है, जिसे अध्यात्म कहा जाता है, उससे यदि मुट्ठियां खाली हैं तो संत महात्मा उसे कहते हैं कि व्यक्ति खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला गया, मानो अपना जीवन असफल करके चला गया, निरर्थक जीवन उसने बिताया। तो साधक जनों सुख की चर्चा शुरू करते हैं। जिस सुख से हम परिचित हैं वह सुख क्या है? एक राजकन्या है, स्नान करने के लिए किसी सरोवर के किनारे गई है, सखियां भी साथ हैं, सबने जल क्रीड़ा हेतु जल में प्रवेश किया है, अपने अपने कपड़े उतार के तो सरिता के किनारे रखे हुए हैं। राजकन्या के पास एक नौ लखा हार भी है, उस वक्त की बात जब उस हार की कीमत 9 लाख रुपया थी। सोचिए कितना अनमोल हार उस राजकन्या ने पहन रखा होगा, वह जल में प्रवेश करने से पहले बार उसे उतार दिया है, स्नान किया सबने, खूब आनंद ले रही हैं सब सखियां, राजकन्या साथ है। बाहर निकली हैं स्नान करके, क्या देखती हैं, कपड़े तो हैं एक 9 लखा हार नहीं है। खोज शुरू हो गई है, राजा साहब को सूचना मिली है, मेरी पुत्री का 9 लखा हार गुम हो गया है सरोवर के किनारे, मानो कहाँ गया होगा, सरोवर में ही गिरा होगा, इस कन्या को याद नहीं कहाँ गिरा है, क्या हुआ है, बाहर उतारा था लेकिन वह हार मिल नहीं रहा। अनेक प्रकार के डाइवर्स, अनेक प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि हार को ढूंढा जाए लेकिन कहीं मिल नहीं रहा। आज कुछ दिनों के बाद एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट के आया है, पानी पीने के लिए सरोवर के किनारे गया, ढिंढोरा पिट चुका हुआ था राजा की तरफ से, जो इस हार को का पता बताएगा या ढूंढ के हमें देखा उसे 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा। इस 1 लाख रुपये इनाम की घोषणा दूर दूर तक चली गई हुई थी, तो इस 1 लाख के लोभ में बहुत से लोग आ जा रहे थे इसी खोज में। आज लकड़हारा पानी पीता हुआ क्या देखता है, जल में वह हार पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, बॉटम पर, तल पर वह हार दिखाई दिया उसे। उसने डुबकी लगाई, तैरना जानता था, डुबकी बीच लगाना जानता था, डुबकी लगाई लेकिन हार हाथ में नहीं आ रहा, हाथ में कीचड़ आता है। थोड़ी देर तक फिर इंतजार करता है, मैंने अपनी आंखों से हार देखा है, इसमें कहाँ चला गया हार, फिर
पानी थोड़ी देर साफ हुआ, उसके बाद फिर हार देखा, फिर डुबकी लगाई, लेकिन हाथ में कीचड़ ही आ रहा है। बहरहाल उसका काम तो हो गया, जाके राजा को सूचना देता है, राजा साहब आपकी पुत्री का नौलखा हार उस सरोवर के अंदर ही है, मैंने अपनी आंखों से उस हार को देखा है, मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, निकालने की कोशिश की, एक वह हाथ नहीं आ रहा। तो अब प्रयास अधिक जोर शोर से शुरू हो गए। जो भी कोई जाता है, पानी यदि स्थिर पानी होता है, हिलता जुलता नहीं है, साफ पानी है, तो सबको हार उसमें दिखाई दे रहा है, और जो भी कोई उसमें डुबकी लगाता है उसके हाथ में हार नहीं आता, कीचड़ आता है, और कीचड़ पकड़ते हैं तो पानी गंदला हो जाता है, गंदा हो जाता है, धुंधला पानी हो जाता है, फिर थोड़ी देर सेटल करने की इंतजार करते हैं, ये सब कुछ चल रहा है। बड़ी भीड़ रोज इकट्ठी होती है, लेकिन किसी के हाथ हार नहीं लगता। विचरते हुए एक संत महात्मा उधर से निकले हैं, पूछा क्या बात है, क्यों इतना ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सारी कहानी सुनाई, कहा राजा की पुत्री का हार, नौलखा हार, इस सरोवर में गुम हो गया है, लेकिन मिल नहीं रहा किसी को। संत